वाला हो गया। आप पर सलाम, आप मेहरबान, मैं मेरे माँ बाप सब कुछ आप पर कुर्बान। आप पर सलाम, आप मेहरबान, मैं मेरे माँ बाप सब कुछ आप पर कुर्बान। मेरे आका तेरी आमद से पहले तो अंधेरा था, जहां मैं जिस तरफ देखो जहालत का बसेरा था। खुदा के हुक्म से नाशना मक्के की बस्ती थी, गुनाह और जुर्म का चारों तरफ फैला अंधेरा था। खुदा के दीन की वुकअत न थी कुछ कल्ब में उनके, खुदा को छोड़ कर हर चीज का दिल सेरा था। सनम के सामने उनकी जभी झुकती ही रहती थी, जहां में शिर्क और बिदअत का वो लहराता फरेरा था। वो अपने हाथ ही से पत्थरों के बुत बनाते थे, उन्हीं से मांगते थे और उन्हीं की पूजा करते थे। बुतों के नाम रखे थे उन्होंने बनाया, बाप था उनका। सजा रखे थे बुत सारे उन्होंने ला के काबे में, जिसे कहते हैं बैतुल्ला वो उन सब बुत का डेरा था। दफन जिंदा जमी में बेटियां करते थे वो अपनी, जहां मैं सिंफ नाजुक से सहर का दौर सवेरा था। जुल्म करते थे हर साथ जबर की आंधियां चलती, दियानत ना शराफत थी जुल्म ही उनका शेवा था। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शूर आया। आप पर सलाम, आप मेहरबान, सब कुछ आप पर कुर्बान। आप पर सलाम, आप मेहरबान, मैं मेरे माँ बाप सब कुछ आप पर कुर्बान। पिया से खून के सारे लड़ा करते थे आपस में, ये इंसानी जहां सारा तो हैवानों का बेड़ा था। किया करते थे जंग ऐसी रहे जारी जो बरसों तक, उन्हें जंगों जदल खूनों खराबे ही ने घेरा था। गरज जो भी बुराई थी सब उनमें पाई जाती थी, न थी शर्मो हया घर घर हया सोजी का डेरा था। मगर अल्लाह ने उन पर जब अपना फजल फरमाया, तो अब्दुल्लाह के घर में खुदा का लाडला आया। अरब के लोग उस बच्चे का खूब इकराम करते थे, और अब्दुल मुत्तलिब किस्मत पे अपनी नाज करते थे। खुदा के दीन का फिर बोलबाला होने वाला था, मोहम्मद से जहां में फिर उजाला होने वाला था। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शूर आया। आप पर सलाम, आप मेहरबान, मैं मेरे माँ बाप सब कुछ आप पर कुर्बान। आप पर सलाम, आप मेहरबान, मैं मेरे माँ बाप सब कुछ आप पर कुर्बान।